नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीवी न्यूज बिहार की 20 बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रणधीर कुमार। गोपालगंज में जमीनी विवाद में दो पक्षों में हुई जमकर मारपीट, झड़प में चार लोग गंभीर रूप से हुए घायल, सदर अस्पताल में इलाज के दौरान एक घायल की हुई मौत। कटिहार के आजमनगर में एक कारोबारी की गोली मारकर हुई हत्या, मंदिर से पूजा कर लौटने के दौरान बाघ चल्ला में बदमाशों ने मारी गोली, मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। कटिहार में 2.5 किलो सोना लूट कांड का हुआ खुलासा, 6 अपराधी हुए गिरफ्तार, वहीं 450 ग्राम सोना, 20 लाख रुपए, बाइक और मोबाइल फोन भी पुलिस ने किया बरामद। मधेपुरा के व्यवसायी से रेलगाड़ी में हुई थी लूट। छपरा में अवैध खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 39 लोगों की हुई गिरफ्तारी, साथ ही 11 ट्रक 6 बाइक हुआ जब्त। डीएम और एसपी ने संयुक्त रूप से रायपुर दियरा में की कार्रवाई। बिहार दौरे पर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पीएम के पटना दौरे को लेकर तैयारियां शुरू, डीएम और एसएसपी पहुंचे विधानसभा। पटना सिविल कोर्ट में ब्लास्ट मामले में बम स्क्वाड की टीम ने केन में रखे विस्फोटक को किया डिफ्यूज, पटेल छात्रावास में छापेमारी के दौरान उक्त बम को पुलिस ने किया था बरामद। खगड़िया में बदमाशों ने खेत जुताई के दौरान किसान को मारी गोली, गंभीर हालत में सदर अस्पताल में इलाज जारी। एडीएम और अपर जिला दंडाधिकारी सहित बिहार प्रशासनिक सेवा के 28 अफसरों का हुआ तबादला, सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी की अधिसूचना। गोपालगंज में वाहन चेकिंग के दौरान कार से 7 कार्टून विदेशी शराब हुआ जब्त, साथ ही 2 तस्कर हुआ गिरफ्तार, उत्पाद विभाग की टीम ने की कार्रवाई। बेगूसराय में नल जल योजना में गड़बड़ी के आरोप में वार्ड सदस्य गिरफ्तार, तेघरा थाना की पुलिस ने चिल्हाया गांव से की गिरफ्तारी, तेघरा वीडियो के लिखित आवेदन पर हुई कार्रवाई। मधुबनी में वज्रपात से एक महिला की हुई मौत, बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के गंगुली गांव की यह घटना। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए राजधानी में विशेष टीकाकरण अभियान जारी, पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट कॉन्क्लेव में सुबह 9 बजे से रात के 9 बजे तक हुई कोरोना वैक्सीन देने की व्यवस्था। पटना सिविल कोर्ट में ब्लास्ट मामले में हुआ खुलासा, अदालत में पुलिस ही लेकर आई थी विस्फोटक, कोर्ट का आदेश लेने से पहले हुआ ब्लास्ट, धमाके में दरोगा सहित 3 लोग हुए जख्मी। नालंदा में वज्रपात से 2 लोगों की हुई मौत, इलाके में मचा कोहराम, नालंदा दीपनगर क्षेत्र में हुआ हादसा, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। बेगूसराय में ई रिक्शा और बाइक में हुई जोरदार टक्कर, हादसे में युवक जख्मी जिसका इलाज के दौरान हुआ मौत, नगर थाना के हेमरा चौक का है मामला। जमुई पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई, बाइक चोर गिरोह का किया भंडाफोड़, दर्जनों बाइक सहित 4 लोगों को किया गिरफ्तार, वहीं 8 लोगों पर किया मामला दर्ज। खगड़िया में पलटी ट्रैक्टर ट्रॉली, हादसे में 2 बच्चों की हुई मौत, वहीं 6 लोग हुए घायल, नदी से कलश भरकर लौट रहे थे लोग, गोंगड़ी थाना के कटघड़ा दियरा की है घटना। बिहार के कई जिलों में येलो अलर्ट जारी, गोपालगंज सिवान मुजफ्फरपुर में मेघ गर्जन वज्रपात और बारिश का मौसम विभाग ने दिया अलर्ट। अभी के लिए बस इतना ही, एचटीवी न्यूज पर प्रसारित होने वाली खबरें प्रोग्राम्स आप जीटीपीएल के चैनल नंबर 985 और डेन के चैनल नंबर 155 के साथ साथ आप अपनी सुविधा अनुसार मोबाइल फोन पर भी देख सकते हैं। अगर आप हमें यूट्यूब के माध्यम से देखना चाहते हैं तो एचटीवी न्यूज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर ताजा वीडियोज की नोटिफिकेशन प्राप्त करें। फेसबुक पर हमारे साथ जुड़ने के लिए एसटीवी न्यूज के फेसबुक पेज को लाइक करें और ट्विटर पर एसटीवी न्यूज को फॉलो करें। तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए बिहार का सबसे तेजी से उभरता न्यूज चैनल एसटीवी न्यूज, सच की आवाज। नमस्कार।